चार साल गुजरने के बावजूद पुलिस अगवा लड़की शबाना को बरामद नहीं करा सकी। पुलिस भारी रिश्वत लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। कौसर न्याजी कॉलोनी नॉर्थ नाजमाबाद के रहायशी मुरीद हुसैन ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध से अपील की है की मेरी बेटी शबाना को बाजियाब कराया जाए और मुकदमे में नामजद मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। अगवा लड़की के वालिद मुरीद हुसैन ने बताया की मुकदमे में चार तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं लेकिन ताहाल इंसाफ नहीं मिला। मुलजमान बा असर है और पुलिस मुलजमान से भारी रिश्वत वसूल कर रही है। कराची प्रेस क्लब में मखविया शबाना के वालिद मुरीद हुसैन, वालदा, बहन, भाई ने मारूफ कानून दान लियाकत अली खान गबोल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस मुलजमान को सपोर्ट कर रही है और खवातीन समेत मर्द मुलजमान गिरफ्तार करके छोड़ देती है। मुलजमान हमें धमकियाँ दे रहे हैं। 2014 में मेरी बेटी स्कूल में मुलाजमत करती थी जहाँ से इसे अगवा किया गया और पंजाब ले गए। अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद पुलिस इंसाफ फराम करने को तैयार नहीं है। मजीद बका न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वालिद मुरीद हुसैन, वालदा और एडवोकेट लियाकत गबोल ने कहा, पुलिस का रवैया जो है मेरे साथ सही नहीं है सर। पुलिस जो है उनके साथ मिली हुई है और दो मरतबा मुझे पंजाब ले गए। हम लाहौर गए, होम डिपार्ट से आर्डर लिए। इसने बोला जब भी तेरी बच्ची के पास मैं सिर्फ आप बच्ची की शनाख्त करनी है और हमारे साथ चलो। मैंने जज साहब को बोला मैं कहा सर पहले भी लेके गए थे टीम, अब मैं नहीं जाता। उसने बोला, असलम साहब ने बोला अभी सिर्फ ये शनाख्त करे और मैं बेटी के पास, इसकी बेटी के पास पहुंच गया हूं और बेटी इसकी जो है और जहीर वल्द शरीफ उसके पास है और ये टीम बनी है, टीम लेडीज पुलिस और ये असलम साहब और उसके बाद दो सिपाही थे, ये टीम बना के हम 10 दिन वहाँ पंजाब लगा के आए। अच्छा, असल मुलजमान कौन है और लड़की को असल जो है कितने माह या साल हो गए? उसको 4 साल हो गए, अभी तक अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं और कोर्ट क्या कहता है? आपने पुलिस वाले तो जब उनको पकड़ते हैं तो मेरी साइड पर, जब उनके को लेते हैं तो फिर बाद में मुकर जाते हैं, जब भी नहीं उनका साथ दे रहे हैं हमारा साथ नहीं दे रहे। हम 4 साल से धक्के खा रहे हैं, मजबूरन हम ये सहारा लिया, नहीं तो हम पेट्रोल डाल के बच्चों को आग लगाएंगे। जो इंसाफ नहीं मिला तो नहीं। ये बताइए, आपने पुलिस वालों को कुछ दिया लिया, क्या बात हुई थी वो भी बताएं ना आप। सर पुलिस वाले ने तो सबको बहुत लिए। कौन कौन थे, नाम बताएं? शहबाज साहब ने 1,00,000 लिया और रशीद साहब ने 25,000 लिया। किससे लिया? हाँ, मेरे से, जो भी तेरी बच्ची को वापस कराता हूँ। तेरी बच्ची वापस हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। 4 साल से आपकी बच्ची नहीं हुई वापस, नहीं हुई जी। हाँ, अब आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? हमारी यही अपील है, जो हमारी दरख्वास्त है, नोटिस किया जाए, हमारी जो बच्ची बाइज्जत बरी करी जाए। इनके कब्जे में है और इनका कोई वडेरा है उनके कब्जे में है। हाँ लियाकत साहब, आप क्या इस, क्योंकि केस ये आपके पास है, आप क्या कहेंगे इस केस के हवाले से, क्या तफसीलात मीडिया को बताएंगे? देखें जी, बड़ी मायूस कन सूरत हाल है। 4 साल हो गए हैं बच्ची को अगवा हुए, 2 FIRें हो चुकी हैं, मुसलसल जो है ना अदालतें अहकाम जारी कर रही हैं कि उस बच्ची को बरामद करें, लेकिन पुलिस हमारी बच्ची को जो है ना बरामद करने में नाकाम है। मुलजमान सरेआम घूम रहे हैं, अपने घरों पर मौजूद हैं लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हम आपको इसीलिए आए हैं कि जो है ना चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि इस बच्ची को बरामद करवाएं। 4 साल से एक फैमिली इंसाफ के लिए जो है ना दरबदर की ठोकरें खा रही है। कभी हम पुलिस के पास जाते हैं, कभी हम अदालत के पास जाते हैं, लेकिन कहीं पे हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगवा लड़की के वालिद ने हुक्काम बाला से दरख्वास्त की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन आमिर शम्स के साथ आसिफ शर्मिला, बका न्यूज़ कराची।